गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंग्लिश इन इंडिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश इन इंडिया की। तो देखिए, इंग्लिश इन इंडिया हैज अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री। इंग्लिश इंडिया में इंग्लिश की जो है एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, इसकी अपना एक खुद का इतिहास है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये इंग्लिश का इंट्रोड्यूस तब किया गया जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। तो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश जो है इंडिया में रूल कर रही थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रही थी, तब जो है इंग्लिश यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। सिंस देन इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, है ना। जब से इंडिया में इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बनाया गया, इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, तब से इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वाइडली रूप से एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और बिजनेस में यूज किया जाने लगा। नाउडेज आजकल इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी अ क्रूशियल लैंग्वेज इन इंडिया। आज जो है इंग्लिश इंडिया में एक क्रूशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू ग्रो होती जा रही है। यूज इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, मीडिया एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और इंग्लिश को वेरियस सेक्टर में जैसे एजुकेशन, मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में यूज किया जाने लगा। इंग्लिश इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडिया। इंग्लिश को जो है इंडिया में एक इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है और इस चीज का मेंटेनेंस बराबर बनता जा रहा है विद ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसका हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल्स। इट्स फैसिनेटिंग टू सी हाउ इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड एंड कंटिन्यूज टू शेप इंडियाज लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। अब देखिए, सम चैलेंजेज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में इंग्लिश को लेकर कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे एक तो लैंग्वेज डिवाइड। इंग्लिश कैन समटाइम्स वाइडर इन द लैंग वाइडर गैप बिटवीन दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश कभी कभी जो है एक वाइडर गैप के रूप में आती है ऐसे लोगों, खासकर ऐसे लोगों के बीच में जिनको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नॉलेज है, एंड दोज हु आर नॉट लीडिंग द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। आगे देखिए, रीजनल लैंग्वेज, द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कैन समटाइम्स ओवरशैडो इन द इम्पॉर्टेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। देखिए, इसको ऐसे समझो, रीजनल लैंग्वेज की जगह कहीं ना कहीं अब जो रीजनल लैंग्वेज के प्लेस पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज किया जाने लगा, रिस्किंग द लॉस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और इससे जो कल्चरल लैंग्वेज या जो डाइवर्सिटी का एक लॉस होने का रिस्क होता जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू इक्वलिटी इंग्लिश एजुकेशन विच कैन लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। ऐसे लोग जो कि इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है, उनके लिए एक प्रकार से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट बायस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज ऑफन अ रिक्वायरमेंट फॉर मेनी हाई प्लेइंग जॉब्स, क्रिएटिंग अ बैरियर फॉर दोज हु डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल्स। देखिए, ये जो है इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जो है कई सारे हाई प्लेइंग जॉब या जो है एक बैरियर की तरह काम करती है, ऐसे लोग के बीच बैरियर की तरह काम करती है जिनको इंग्लिश में अच्छा नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉलोनियल लेगेसी, सम व्यू द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश एज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज कॉलोनियल पास्ट, लीडिंग टू डिबेट्स ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज एंड कल्चर। दीज चैलेंजेज हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एंड द नीड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इन पास्ट इन इंडिया, इंग्लिश इन पास्ट की बात किया जाए तो इन द पास्ट इंग्लिश इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। पास्ट टाइम में इंग्लिश को, भारत में इंग्लिश को जो है कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड द कंट्री, जहाँ पर ब्रिटिशर्स जो कंट्री में रूल करते थे। इट वॉज प्राइमरली यूज एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंग्लिश को जो है प्राइमरी लेवल ऑफ लैंग्वेज के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन या कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था।
ओवर टाइम समय बीतने के साथ इंग्लिश बिकेम मोर वाइडर स्प्रेड एंड मोर वाइड स्प्रेड एंड वाज एडॉप्टेड इन एजुकेशन एंड बिजनेस सेक्टर इवेंचुअली बिकमिंग वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और जैसे समय बीतता गया इंग्लिश जो है वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैलती गई और एजुकेशन या बिजनेस सेक्टर में इंग्लिश को अडॉप्ट किया गया और फाइनली जो है इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के भी रूप में 1935 में एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। इसके बाद में देखिए द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज शेप्ड द कंट्रीज लिंग्विस्टिक लैंडस्केप एंड कंटिन्यूज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंग्लिश इन इंडिया अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश की सिचुएशन क्या है इंडिया में, तो देखिए इंग्लिश इन इंडिया होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजिशन एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। इंडिया में इंग्लिश को एक प्रोमिनेंट पोजिशन इंग्लिश ने बना लिया है ना, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है एंड इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डोमेन सच एज एजुकेशन बिजनेस मीडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको जो है वेरियस डोमेन्स में यूज किया जाता है जैसे एजुकेशन बिजनेस मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन में। इट सर्व्स एज अ कॉमन लैंग्वेज दैट ब्रिज डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस सॉरी कम्युनिटीज विद द कंट्री एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देखिए इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज और एक ब्रिज लैंग्वेज के रूप में काम करता है डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में है ना, कम्युनिकेशन के लिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर। आगे देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज एम्फेसाइज्ड इन मेनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन एंड जॉब मेकर्स जॉब मार्केट्स वेयर इट इज ऑफन आ रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन प्रोफेशंस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को कई सारे सेक्टर में इम्फेसाइज किया गया है ना। इसमें इंक्लूड होते हैं हायर एजुकेशन में, जॉब मार्केट्स में, डिफरेंट टाइप के जॉब मार्केट्स में, एक सर्टेन प्रोफेशंस के रिक्वायरमेंट में भी इंग्लिश की नीड होती है। इंग्लिश कंट्रीज टू इवॉल्व इन इंडिया ब्लेंडिंग विद द लोकल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स टू यूनिक इंडियन इंग्लिश आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश इन इंडिया फ्यूचर क्या है ना। इन द फ्यूचर इंग्लिश इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया। फ्यूचर में इंग्लिश को लेकर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया में जो है ये जो है एक सिग्निफिकेंट लैंग्वेज के रूप में और ज़्यादा सामने आएगी, स्पेशली विद द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और खासकर जब ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होगा तो वहां पर इंग्लिश की बहुत ज्यादा नीड होगी। इंग्लिश विल कंटिन्यू टू प्ले अ रोल इन एजुकेशन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। और इंग्लिश जो है हमेशा जो है एजुकेशन बिजनेस या कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती रहेगी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू इंगेज ऑन अ ग्लोबल स्केल। और एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स को ग्लोबल स्केल पर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करेगी। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इंग्लिश इन इंडिया इवॉल्व फर्दर एंड हाउ इट कंटिन्यूज टू शेप द कंट्रीज लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। ये कह रहे हैं ये इंटरेस्टिंग होगा ये कि इंग्लिश किस तरीके से इंडिया में इवॉल्व होगी और आगे चलकर किस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी और ये अपना शेप पूरे कंट्रीज में जो है लैंडस्केप की तरह जो है फैला लेगी, यानी कि इन फ्यूचर इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ें इंग्लिश में हो जाएंगी क्योंकि इंग्लिश को एक ग्लोबलाइजेशन के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है।